जैसे जैसे 2019 आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राम मंदिर का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। हाल ही में राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम हिंदू संगठनों की ओर से पहले तो अयोध्या में धर्मसभा का आयोजन किया गया और फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को विधेयक लाने के लिए विराट धर्मसभा का आयोजन किया गया। फिर भी मोदी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नजर नहीं आई, मगर अब खुद सीएम योगी राम मंदिर निर्माण के लिए मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका हल नहीं निकाल पा रहा है तो ये जिम्मेदारी हमें सौंप दे, हम 24 घंटे के अंदर इस समस्या को हल कर देंगे। और उन्होंने ये बयान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया है। दरअसल अब सीएम योगी से पूछा गया कि आप राम मंदिर विवाद को कैसे सुलझाएंगे, बातचीत से या बल प्रयोग से, तो इस पर सीएम योगी ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट हमें ये मामला सौंप तो दे। सीएम योगी ने आगे कहा कि मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इस विवाद का निपटारा जल्द से जल्द कर दे। 30 सितंबर 2010 को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच के फैसले से साफ कहा गया है कि बाबरी ढांचे को एक हिंदू मंदिर या स्मारक को ध्वस्त करके बनाया गया था। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट में माना है कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया था, तो इसमें बिना बात के विवाद जोड़ा जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या मामला लंबे समय से चल रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि अदालत को जल्द ही अपना फैसला देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर पा रही है तो हमें इस मुद्दे को सौंप देना चाहिए, हम 24 घंटे के अंदर राम जन्मभूमि विवाद को सुलझा लेंगे, हम 25 घंटे नहीं लगने देंगे। यही नहीं बल्कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार मंदिर मुद्दे पर अध्यादेश लाने वाली है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि संसद में उन मामलों पर बहस नहीं होती जिन पर कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, हमने ये अभी कोर्ट पर छोड़ रखा है। कोर्ट अगर साल 1994 में दायर हलफनामे के आधार पर फैसला लेती है तो ये देश के लिए लोगों के लिए एक अच्छा संदेश होगा। इस मामले में हो रही देरी से लोग अपना धैर्य खो रहे हैं। ये मुद्दा चुनाव जीतने या हारने का नहीं है बल्कि लोगों की आस्था का है। आपको यही बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या विवाद की सुनवाई के लिए बेंच का पुनर्गठन किया है। इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया है। बेंच अगली सुनवाई 29 जनवरी को करेगी और ये सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर होगी। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़।